सारे लोग यहाँ पे भाई चंद्रशेखर आजाद और रिहाई के लिए आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आप तमाम सारे लोगों को जय भीम करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ जब हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, एक बात को हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग जिस तरीके से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, उसी तरीके से हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई सब सहारनपुर में भी आंदोलन लड़ रहे हैं, तो उनको भी सलाम करने की ज़रूरत है और उनको भी जो आंदोलन है उनके लिए हम लोग को सहयोग करने की ज़रूरत है। कुछ दिन पहले हम लोग भाई चंद्रशेखर को मिलने गए, मेरे हॉस्पिटल में जब उनको एडमिट किया गया था, और उसी समय योगी जी का एक बयान आया। योगी जी बोले कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो आंदोलन है, वो आंदोलन हम लोग जब से सत्ता में आए हुए हैं, हमारी पार्टी जब यूपी में चुन करके आई है और मैं जब से चीफ मिनिस्टर बना हूँ, तब से यूपी के अंदर तमाम सारे आंदोलन जो है वो ख़त्म हो गए हैं। लेकिन एक बात मैं आप तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उनके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, योगी जी बहुत ही डरपोक किसान के आदमी हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो वो सहारनपुर जाकर के देखिए कि वहाँ पे आंदोलन चल रहा है कि नहीं है। बाकी दलित महिलाएं और बच्चे और बूढ़े सब मिलकर के आंदोलन लड़ रहे हैं, आंदोलन रुका नहीं है। योगी जी का जो नजरिया है देखने का, वो नजरिया में भगवा जो पट्टी है वो आ गई है, इसलिए इसको आंदोलन दिख नहीं रहा है। हम लोग पहली बार भाई चंद्रशेखर को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए नहीं हैं। यहाँ पे हम लोग काफ़ी बार प्रोटेस्ट किए हैं, जंतर मंत्र पर प्रोटेस्ट किए हैं, दिल्ली की सड़कों पे हम लोगों ने उतरा है। लेकिन आज ऐसी कौन सी बात आ गई जो दिल्ली पुलिस को लगने लगा कि यूपी भवन के सामने भी हम लोग धरना नहीं दे सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जंतर मंत्र में तो बैठने के लिए इन्होंने इजाज़त देना ही बंद कर दिया। अब जो यूपी भवन है, आसाम भवन है, हरियाणा भवन है और इनकी सरकार जहाँ जहाँ है उस स्टेट के भवन में भी प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे। क्यों आज ऐसा क्या हो गया कि यूपी भवन के सामने हम लोग को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया गया और हम लोग यहाँ पर कर्नाटक भवन है इसके सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं? क्योंकि इन लोगों को लगने लगा कि जो हम लोग पिछले दिनों प्रोटेस्ट किए थे और ये लोग बोल रहे थे कि जो प्रोटेस्ट है किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लोग सोचे कि ये जो पूरा बिकाऊ नेशनल मीडिया है वो खरीद करके ये लोग लगे हैं जो इनको चंचागिरी करते हैं, ये लोग तो उसको दिखाएंगे नहीं। लेकिन जो हम लोगों ने जंतर मंत्र पर प्रोटेस्ट किए थे वहाँ पे इनकी मीडिया नहीं दिखाई, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया थी वो दिखाई, लेकिन ये लोग दिखाए नहीं। तो आज उनको वही डर है कि जो प्रोटेस्ट का मैसेज है वो बाहर चला जाएगा और चंद्रशेखर और अखिल गोगोई के लिए फिर से सॉलिडारिटी बन जाएगा। साथियों, इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग लड़ाई जब लड़ने के लिए यहाँ पे आते हैं तो कोई किसी मीडिया के सहारे या फिर जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनके सहारे लड़ने के लिए नहीं आते। हमारी ताकत हमारी यूनिटी है, हमारी ताकत हमारी संख्या है और उसी के बल के तरह हम लोग लड़ने के लिए आते हैं। और एक बात हम लोग की याद रखने की ज़रूरत है कि जब जब दलित पिछड़े आदिवासी मुस्लिम सड़कों पर उतरेंगे तब तक उनको खतरा महसूस होने लगेगा। चंद्रशेखर से भाई कौन से राष्ट्र का खतरा है? हाँ, मैं मानता हूँ एक राष्ट्र को चंद्रशेखर जो दलित है उसका खतरा है और वो हिंदू राष्ट्र है उस राष्ट्र को चंद्रशेखर से खतरा है। और इसके लिए इसीलिए और क्यों ये लोग डरते हैं और NSA लगाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, क्योंकि ये जो हिंदू राष्ट्र RSS का जो कॉन्सेप्शन में है, जो चिंताधारा से है, वो जातिवाद और ब्राह्मणवाद से जुड़ा हुआ है और उस पर टिका हुआ है। और हम लोग जो लोग जाति का उत्पीड़न को झेलते हैं और उसे खात्मा के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो उनको खतरा महसूस होने लगता है और जब जब खतरा महसूस होने लगता है तब राष्ट्र की बात आती है। आप लोग देख लीजिए पिछले 3 साल में जब जब बीजेपी को खतरा महसूस होने लगा तब तब बीजेपी राष्ट्र को सबसे पहले ला देती है। जब जब बीजेपी किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तब वो बॉर्डर की बात करने लगते हैं, सेना की बात करने लगते हैं और इस तरह के तमाम सारे कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और तमाम सारे कानून के तहत जो लोग लड़ाई लड़ते हैं उनको जेल में रखा जाता है।
लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर का एक कोटेशन, एक जो बात मुझको याद है कि आप 100 दिन गीदड़ की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन आप शेर बन करके जियो। जय भीम। और भाई चंद्रशेखर वो गीदड़ की कम्युनिटी नहीं से है, वो उस परिवार से आते हैं जो बाबा साहेब अंबेडकर जो शेर की जो छाती लेते हुए उस समय ब्राह्मणवाद और जातिवाद को चुनौती दिए थे। साथियों, आज चंद्रशेखर को और हमारे जो साथी यहाँ पे मौजूद हैं अखिल गोगोई, उन दोनों को इन्हीं से लगा करके जेल में रखा गया है। और दोनों ही जो नेता हैं वो मास लीडर हैं, मैं मानता हूँ मास लीडर इसीलिए क्योंकि जो जनता है जनता इनको सपोर्ट करती है। ये बीजेपी और आरएसएस के नेता नहीं है जो पार्टी चुन जाती है तो किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। इसीलिए हम लोगों को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा जब हम लोग भाई चंद्रशेखर की आज़ाद की बात करेंगे, साथ ही साथ हम लोगों को अखिल गोगोई की रिहाई के लिए भी बात करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों का जो लड़ाई है उसी बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जुड़ा हुआ है। इसीलिए दोस्तों और साथियों, जितने भी लोग आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं एक बार कहकर के अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि जब दलित आदिवासी महिलाएं मुस्लिम पीछे सड़कों पे उतरेंगे उनको देशद्रोही बोल दिया जाएगा, उनको एंटी नेशनल बोल दिया जाएगा या फिर एंटी मोदी भी बोल दिया जाएगा। इनके हिसाब से सरकार के खिलाफ होना देश के खिलाफ होना है। और इसीलिए पिछले दिनों जब हम लोग जे एन यू में थे तो हम लोगों को बोला गया कि तुम लोग देशद्रोही हो, तुम लोगों को जेल में डाल देंगे। हम लोग बोले कि भाई हम लोग देश के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग देश के खिलाफ नहीं हैं क्योंकि हम लोग उसी देश में हैं और जो लोग देश के अंदर हैं उनकी बात करते हैं, लेकिन हम लोग एक चीज़ के खिलाफ है जो बीजेपी और आरएसएस कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस इस देश को जाति धर्म और आधार पे इसको बांटना चाहते हैं, हम लोग उसके खिलाफ हैं। इसीलिए अगर उसके खिलाफ होना देश के खिलाफ है तो ये आरएसएस के परिभाषा में हो सकता है लेकिन हमारी परिभाषा में नहीं है। लेकिन एक बात बोल करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि जैसे पहले भाई एक आए तो उन बोले कि मेरे खिलाफ भी 14 केसेस लगे हुए हैं, मुझको भी सेडिशन का चार्जेस लगा गया है। आज अगर हो सके कि हम लोग भाई चंद्रशेखर और अखिल गोगोई की रिहाई के लिए लड़ें और तमाम सारी इस तरह के फर्जी मुकदमे लगेंगे और लोगों को खिलाफ लगाया जा रहा है इस तरह फर्जी चार्जेस में उनको जेल में रखा जा रहा है, लेकिन हम लोगों को ठानना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में हम लोगों के खिलाफ भी अगर सेडिशन चार्ज लगता है या फिर एनएसएल लगता है तो हम लोग पीछे नहीं जाएंगे और उनकी रिहाई के लिए लड़ते रहेंगे। इस जज्बे को लेकर हम लोग को आगे बढ़ना है। बस मैं ज़्यादा बात नहीं रखूँगा लेकिन इस उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से कम समय में हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हो पाए हैं, आने वाले दिनों में जो भी प्रदर्शन का कॉल दिल्ली में होगा, जो भी धरना का कॉल दिल्ली में होगा, हम लोग पूरी मजबूती के साथ दिल्ली के सड़कों पे उतरेंगे और बोलेंगे भाई ये तो देश है सिर्फ भगवान कच्चेधारी को वजह से नहीं बनता है। इस देश में अगर दलित मुस्लिम और आदिवासी एकजुट हो जाए तो कच्चेधारियों के लिए जगह नहीं बचेगी। जय भीम। इसीलिए आखिर में इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा। आप तमाम सारे लोग जो आंदोलन में जुड़े हुए हैं, आंदोलन लड़ रहे हैं, उस सारे लोगों को जय भीम। मैं इसके साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा।